अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, सबका रोज़ा अच्छा गुजर रहा होगा। आज हमारे साथ हबीबा है और माशाल्लाह से ये मेरी कज़न बहुत अच्छी हैं। आप मेरे आपी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। तो जनाब, यहाँ पे हमारे पास सामान है, बंद है और वेजिटेबल है, एग है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड लाइकिंग मी। और अभी हम जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं अपने बर्गर, उसके बाद फिर मैं आपको साथ साथ बनाऊंगी तो साथ साथ दिखाऊंगी भी। अभी बच्चे, लेट्स वॉश द वेजिटेबल्स। तो जी, हमारी सब्जियां वॉश हो गई हैं, अभी हम सब्जियों की कटिंग करते हैं। चलें अभी आ जाओ। अच्छा, ये भी एग भी हमने फेंट लिए हैं, सलाद भी सारा हबीबा दिखाएं वो काट लिया है, और बर्गर को भी बंद जो है हमने लाइन को कट भी लगा दिया। अभी फिर मैं एग बनाने लगी, उसके बाद हम फाइनल इसकी जो लुक है वो आपको दिखाएंगे तैयार करके। ओके। माशाल्लाह से एग बन गया है और अभी हम जो है वो अपना बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी हेल्प करेंगी आज हबीबा, तो हबीबा जो हम बर्गर बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि सारा सामान हमारा रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और इफ्तारी में भी थोड़ा ही टाइम रह गया है। अभी अपनी इफ्तारी के लिए भी काम करना है, सो हमें जल्दी से सारा काम करना होगा। अच्छा, घर में मोस्टली आप काम करते तो छिलके वगैरह भी आपके बच ही जाते हैं, तो अभी छिलके खाने के लिए अभी आ गई है हमारी लाडली। और अब ये शेरू खा रहा है। हमारे घर में ये बड़ा फायदा है कि ये छोटे छोटे बकरे, एक बकरा है और एक बकरी है, तो इससे फायदा क्या है कि जितना भी घर के अंदर छिलके वगैरह उतना ही खा लेते हैं। मुझे हल्ली हल्ली बना करो, चलो खुद खाओ, मैंने और भी बहुत सारा काम करने। चलो शाबाश। लिए मिर्ची लाई हूं, देसी मिर्ची जी, खुद बनाई हुई। अच्छा माशाल्लाह, खुद आप लोगों ने घर बनाई है? नहीं, फूफा ने बनाई थी। Please come here. I need you. Because यहाँ पे ज़्यादा दूसरी लेयर में भी लगाने हैं। अब एग रखो ना, आप जाने, आप एग रखे ना पहले, साथ आप आ जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम है, मैंने इफ्तारी भी बनानी है definitely, और भी बहुत सारे काम है, तो मुझे I need you ma'am. हाँ जल्दी आना। हमारा एक बर्गर बन गया।
माशाल्लाह साहब भी हमारी भरपूर हेल्प कर रहा है। वेरी नाइस। यार ये बाजू मेरी खीरे तो बाहर ही निकल रही है कुछ। ये साथ में आप गले लगाते जाओ ना, उधर से टैग करते जाओ ना। मैं थोड़ा सा सेक करवाऊंगी इनको भी, वो मैंने रखा हुआ है ना सेक। हाँ वो करवा के फिर गले फिर बहुत अच्छे होंगे। वैसे अभी ये वैसे मुझे स्टाफ है ना उसको बहुत जरूरत है। चलिए आप जल्दी से बनाए। ये हबीबा ने एक बर्गर बनाया बहुत ये वाला, दिस वन। नो 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 दिस, ये वाला, ये देखिए डबल साइड बर्गर। अच्छा ये मैंने इसको अच्छे से सेक करवा दिया, ठीक है। जितने भी ये हमारे बर्गर बने उनको इस तरह से थोड़ी थोड़ा सेक करवाने हैं हल्की आंच पे। उसके बाद ये वजह भी उल्टाए हुए। हबीबा आप रेडी हो गए तो जल्दी से आ जाओ, फिर आप ये पैकिंग शुरू कर दो इसकी, क्योंकि साथ नमाज पढ़ के आ रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने उसको देने हैं। तो हम अब पैकिंग करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पेपर कट कर दिए पैकिंग के लिए, और हम पैक कर रहे हैं। मैं इसको पैक कर रही हूं, फिर ये पैक कर रही है। तो ये रहा हमारा बर्गर, जो हम इसे पैक कर देंगे कुछ इस तरह से। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, और हमने माशाल्लाह से 30 बर्गर अपने रेडी कर लिए हैं। और ये 30 बर्गर इंशाल्लाह जाएंगे लोगों के पास, और लोग क्या करेंगे इफ्तार करेंगे। हबीबा मुझसे पूछ रही थी कि क्यों कर रही है, तो उसको भी राम साहब को बताती चलूँ कि ये जो है वो आज मैंने काम किया है रोज़ेदारों के लिए, कि किसी कोई भी रोज़ा इफ्तार कर ले हमारी थोड़ी सी उसके अंदर शामिल हो जाए कोशिश, तो उससे हमें सवाब मिलेगा। वैसे भी रमज़ान मुबारक में नेकियाँ करें, क्योंकि उसमें सवाब दुगना हो जाता है। जी हानिया क्या लेके आई हैं आप? वाह हानिया पास्ता, थैंक यू सो मच हानिया। चले पास्ता हम लोग डाइनिंग पे रखते हैं। हानिया जितनी हमारे साथ ही इफ्तारी कर ले हानिया। माशाल्लाह हमारी इफ्तारी रेडी हो गई है। इन लोगों ने बर्गर खाने थे, फिर मैंने कहा इनको भी बना के देती हूँ, और समोसे कचौरी पास्ता हानिया देखे गई भी है माशाल्लाह से। और फ्रूट का हमने बायकॉट किया हुआ है, ठीक है, आप लोग भी बायकॉट करें जब तक के फ्रूट की प्राइसेस जो है वो मुनासिब नहीं होती हैं, किसी ने भी फ्रूट नहीं खाना, तो इसलिए आज हमने कोई फ्रूट नहीं लाया हुआ। वापस आ गया साथ, मुझे बताओ किस किस को आपने दिए वो जो पार्सल मैंने आपको दिए थे? इन्होंने पठान को दिए जो काम करने के लिए इधर आए हुए हैं। अच्छा ठीक जैसे बोले बच्चे खेल रहे थे उनको दिए। तो कैसे खुश हो गए लोग? माशाल्लाह। अच्छा देखिए रमजान में आप लोग भी ऐसा करें, ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं किसी के लिए। थोड़ी सी आप अफतारी के लिए थोड़ा सा ही कर दे, ज्यादा ना करें। आज हबीबा हमारे साथ अफतारी में है, तो हबीबा अपनी प्लेट लें और लगाएं अपनी प्लेट। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे ऐसे अच्छे लिए काम करने के। आमीन तो बोल दो। हम लोग नाइट स्नैक्स खा रहे हैं, और ये मुनीबा खा रही है पास्ता, खुद ही लाया तो खुद ही खा रही है। मुबारक टू ऑल ऑफ यू। तो हम सहरी में बना रहे हैं, और सहरी में हम पराठे बनाएंगे, और पराठे आम पराठे नहीं बल्कि एग वाले पराठे होंगे। एग वाले पराठे बनाने के लिए मैंने 3 अदर गाय ले लिए हैं, और आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा धनिया, और मिर्चे नमक मतलब नॉर्मल जो आप खाने में डालते हैं वो यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा हम लोग इस पे घी लगा देते हैं, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि जाहिर सी बात है सहरी का टाइम जो है वो थोड़ा ही है, इतना ज़्यादा है नहीं। और ये ऊपर से थोड़ी सी मैंने कलौंजी इसके डाल दी है। आप क्या मर्जी है तो आप डालें, नहीं मर्जी है तो ना डालें, इट्स ओके, आपके अप टू यू। अभी हमने चम्मच की मदद से जो हमारा एग है ये सारे इसमें लगा देना है।
वेरी नाइस। अब जो हमारी ये अंडे वाली साइड है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी लगा के इसको भी पकाना है, ठीक है। अच्छा माशाल्लाह से हमारा पराठा रेडी हो गया है, अब देख सकते हैं एग वाली साइड भी और दूसरी साइड से भी। इसी तरह भी हम अपने सारे पराठे बना लेते हैं उसके बाद। माशाल्लाह से हमारे एग पराठे रेडी हैं साथ अबीबा चाय आगे देना। सालन ला लिया अबीबा? अच्छा साथ जल्दी से पराठा खा के चेक करो जरा कैसा पराठा बना है। मजे का है गाइस। मस अच्छा ठीक है, चले फिर अबीबा वो सालन मेरे ले, चलो मैं खुद ही सालन के आती हूँ। ठीक है जी, अभी हम सैरी करने लगे हैं और अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, सहरी मुबारक।